नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पिन डायग्राम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। तो पिन डायग्राम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हम उसको समराइज कर लेते हैं। अभी तक हमने सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हमें माइक्रोप्रोसेसर क्यों पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हमें देखा कि एक माइक्रोप्रोसेसर है उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है हमारे पास। उसके बाद हमने उसका आर्किटेक्चर डायग्राम डिटेल से डिस्कस किया दो तीन पार्ट में, और हमारे पास आर्किटेक्चर को स्टेप बाय स्टेप हमने समझा। अब आर्किटेक्चर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास, उन सारी चीज़ों को एक आइस हम क्या करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में 40 पिन के थ्रू उसको शो करते हैं। तो पिन डायग्राम भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग लगा दीजिएगा पिन डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, और जो भी थोड़ा बहुत रह गया होगा वो भी हम कंप्लीट करेंगे। माइक्रोप्रोसेसर 8085, इसका पिन डायग्राम हमें बनाना है, ठीक है। पिन डायग्राम में क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसमें आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास सबसे पहले इसमें सप्लाई देने की ज़रूरत है और ग्राउंड करना है। सबसे पहले आप क्या करो, प्लस VCC सप्लाई दे दो या 5 वोल्ट की सप्लाई दे दो, आपकी जो इच्छा हो। और यहाँ पर आपके पास क्या कर दो, ग्राउंड कर दो, दो पिन ये हो गई, ठीक है। दूसरा, आपको ये जो है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्राइवन डिवाइस है, तो क्लॉक पल्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। क्लॉक पल्स क्या होती है, क्लॉक पल्स इस तरह से आपके पास क्या करते हो, हाई लो सिग्नल अप्लाई करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक पल्स बोलते हैं। तो क्लॉक पल्स जनरेट किसके थ्रू की जाती है, क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर के थ्रू, बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टेबल ऑसिलेटर। यहाँ पर क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर के दो टर्मिनल और होते हैं, X1 X2, दो पिन यहाँ हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6 MHz की फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं। ये सारा लिखा देंगे, पहले केवल समझ लीजिएगा आप, है ना। 6 MHz की फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है यहाँ पर क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर, और इंटरनली माइक्रोप्रोसेसर इस फ्रिक्वेंसी को क्या कर देता है, हाफ से डिवाइड कर देता है। तो इंटरनली फ्रिक्वेंसी कितनी मिल जाती है, 3 MHz, इतनी फ्रिक्वेंसी मिलती है, F = 3 MHz ये मिलता है। अगर फ्रिक्वेंसी इतनी है तो टोटल टाइम कितना होगा पूरे साइकिल का, 1/F, ये हो गया 1/3 × 10^6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.33 microsecond, 10^-6 आ जाएगा, इसका मतलब 0.33 microsecond हमारे पास इसका क्लॉक का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है, अब हमें इसका ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले किसकी, कौन से बस की जरूरत है, एड्रेस बस की जरूरत है। तो एड्रेस बस में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 8 पिन होती है, AD0 से लेके AD7 तक, ठीक है। ये क्या करती है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। यह किसकी तरह काम करती है, डेटा बस की तरह भी काम करती है, क्योंकि जब हमारा एड्रेस मिल जाता है तो उसके बाद लोअर ऑर्डर वाली एड्रेस को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, डेटा बस की तरह। 8 पिन ये हो गई हमारे पास। उसके बाद इसकी 7 और बची, A8 to A15, ये हमारे पास 7 ये हो गई पिन, ठीक है। A8 हायर ऑर्डर एड्रेस बस लिख सकते हो, हायर ऑर्डर एड्रेस बस A8 to A15, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल सिग्नल होते हैं, दो सिग्नल सिग्नल होते हैं हमारे पास, कंट्रोल सिग्नल और स्टेटस सिग्नल, ये हो गए कंट्रोल सिग्नल। तो कंट्रोल सिग्नल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ALE, रीड, राइट, ये 3 पिन ये हो गए हमारे पास। और स्टेटस सिग्नल होती है, स्टेटस सिग्नल में कौन कौन सी पिन होती है, इनपुट आउटपुट मेमोरी दोनों में से क्या सेलेक्ट करना है, स्टेटस S1 S0, ये होता है। अब यहाँ से हम क्लॉक अप्लाई करते हैं इन, और यहाँ से हमें क्या सिग्नल मिलता है, क्लॉक आउट। मान लो किसी अदर डिवाइस को पास में कोई
माइक्रोप्रोसेसर के साथ एक और डिवाइस काम कर रही हो तो उस पेरिफेरल डिवाइस को भी क्लॉक अप्लाई करनी हो तो क्लॉक आउट सिग्नल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास रहता है रिसेट आउट, इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल से, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं वो तो रहने देंगे, बाकी जो नई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेज, एक्नॉलेज के लिए कौन से होते हैं, एच एल डी ए और आई एन टी ए, एक्नॉलेज के लिए। उसके बाद हमारे पास इंटरप्ट सिग्नल होते हैं 5। इंटरप्ट सिग्नल कौन कौन से होते हैं, ट्रैप जिसको RST 7 4.5 भी बोलते हैं, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और फिर INTR, 5 पिन हमारे पास ये हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद एक होती है रेडी पिन, रिसेट इन, ये एक्टिव लो सिग्नल है, ठीक है। और कौन सी पिन रह गई, सीरियल इन सीरियल आउट, SID SOD, ये हो गया हमारे पास। और कोई बची है तो बताओ, और पिन कौन सी है, ओल्ड पिन है उसको भी लिख दीजिए, ठीक है। हम पहले डिस्कस कर चुके, तो जो चीज़ें हमने नहीं डिस्कस की है वो कौन कौन सी है, एड्रेस बस के बारे में, हायर एड्रेस कंट्रोल सिग्नल स्टेटस सिग्नल, ये सब आर्किटेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सेम अगर पिन डायग्राम पूछा जाए तो ये सारा एक्सप्लेन वापस करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। आप उसके बाद हम एक्नोलॉजी वाले सारे डिस्कस कर चुके हैं, ट्रैप को हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, बचा कौन सा है, रिसेट इन और रिसेट आउट क्लॉक इन, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 4 पॉइंट बचे, बाकी सब हो गए थे, ठीक है। लिखो ज़रा प्लीज सबसे पहले। तो इसमें हमारे पास वैसे एक्सप्लेन तो आपको सब कुछ करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल 4 ही पॉइंट बच गए। तो उसमें सबसे पहले लिखो क्लॉक इन, सप्लाई इनपुट या पावर सप्लाई इनपुट एंड क्लॉक इनपुट, इसमें लिखिए फटाफट। सिंस माइक्रो प्रोसेसर 8085 इज ए प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्राइवन डिवाइस, देयरफॉर क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर जनरेट्स 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विच इज अप्लाइड टू द माइक्रोप्रोसेसर and microprocessor after that internally divides this frequency by 2. उसके बाद वीडियो पॉज करके ये लिख दीजिएगा, ये आपको बनाना है, ठीक है, इतना, ताकि आपको पता चले कि क्लॉक होती क्या है, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ये है क्लॉक इनपुट हो गया, अगला लिखो क्लॉक आउट, इसमें लिखिएगा क्लॉक इनपुट तो दे दिया, क्लॉक आउट, दिस पिन इज यूज्ड टू प्रोवाइड क्लॉक सिग्नल टू द डिवाइसेस एक्सटर्नल डिवाइसेस विच इज कनेक्टेड टू द माइक्रोप्रोसेसर, मतलब माइक्रोप्रोसेसर से के साथ कोई दूसरी डिवाइसेस कनेक्ट है, अगर उनको भी क्लॉक सिग्नल की जरूरत है तो कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, क्लॉक आउट सिग्नल से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगला लिखो रिसेट इन, ठीक है। रिसेट इन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप प्रोग्राम बना रहे थे, प्रोग्राम बनाने बताते कुछ गलत हो गया या फिर बन ही नहीं रहा है तो दिमाग खराब हो गया कि इसको वापस क्या करो,
रिसेट करो, स्टार्ट करेंगे, क्लियर कर दो। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर को एकदम स्टार्ट से हमें यूज़ करना है या क्लियर करना है तो रिसेट इन सिग्नल का यूज़ करना पड़ेगा। तो रिसेट इन के लिए क्या करोगे, ये इसके ऊपर बाहर आ रहा है तो ये कैसा सिग्नल है, एक्टिव लो सिग्नल है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, जीरो। जीरो अप्लाई करते ही फ्लिप माइक्रो प्रोसेसर कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा और प्रोग्रामिंग हम नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। रिसेट आउट का क्या मतलब है ये भी सुन लो। रिसेट आउट का मतलब ये है कि दूसरी जो डिवाइसेज हैं हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड एक्सटर्नल डिवाइसेज, अगर उनको भी रिसेट करना हो, क्लियर करना हो कि भाई साहब तुम भी क्लियर हो जाओ, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसेट आउट सिग्नल उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक्टिव हाई सिग्नल है, ठीक है। ये भी बताता है कि अगर ये हाई हो जाए तो इसका मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या हो रहा है, रिसेट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम काउंटर को कहाँ सेट कर देता है, ये प्रोग्राम काउंटर को, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन शो करता है। जब क्लियर हो गया तो कहाँ से ऑपरेशन होगा, कुछ नहीं होगा हमारे पास। तो प्रोग्राम काउंटर सबसे स्टार्टिंग की कौन सी मेमोरी लोकेशन होती है, एड्रेस लोकेशन 000H, वहाँ पे जाके इसको सेट कर देता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखिए, क्लॉक आउट का लिख दिया, ठीक है, इसमें लिखो रिसेट इन, रिसेट इन हेडिंग लगाओ, उसके ऊपर बार लगा दीजिएगा, उसमें लिखो इट इज एक्टिव लो सिग्नल, इट इज एक्टिव लो सिग्नल विच सेट्स विच क्लियर्स द माइक्रो प्रोसेसर एंड सेट्स द प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर एट 000H, यहाँ पे सेट कर देता है, ठीक है। आगे लिखो रिसेट आउट, ये वाली हेडिंग लगा दो रिसेट आउट, उसमें लिखो रिसेट आउट पे, रिसेट आउट में क्या होगा, इट इज एक्टिव हाई सिग्नल, इट शोज दैट माइक्रोप्रोसेसर इज बीइंग रिसेट, माइक्रोप्रोसेसर इज बीइंग रिसेट एंड दिस सिग्नल इज आल्सो यूज्ड टू क्लियर अनदर एक्सटर्नल डिवाइसेस, टू क्लियर अनदर कनेक्टेड एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है। ये हो गया आपका पिन डायग्राम, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन आपको सब कुछ करना है, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, ठीक है। ये हो गया आपके पास पिन डायग्राम। अब आगे डिस्कस करते हैं एड्रेसिंग मोड, वो क्या होते हैं उनके बारे में सीखते हैं, ठीक है। अब कहानी थोड़ी दिलचस्प होती जाएगी, लेकिन एक बात सुनिएगा जरा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको पुराना सारा याद होना चाहिए माइक्रोप्रोसेसर में, अदरवाइज मत बोलना कि हमें नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब पुराना सारा क्लियर हो। ये टेक्निकल में हर जगह अप्लाई है, टेक्निकल का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होता है अगर आप प्रीवियस वाला बिल्कुल ढंग से और परफेक्ट कर लेते हो। उसको रिवाइज करिए फिर आगे बढ़िए, इट इज़ माई सजेशन, ठीक है। अब आगे देखेंगे एड्रेसिंग मोड।